एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं आज दूसरा काम करने, वेडिंग के कार्ड्स छपवाने जा रहे हैं मैं और आयुष। उसके बाद मुझे और भी काम है, अभी पहला काम यही है। तो अभी हम रास्ते में एक्टिवा से जा रहे हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की। तो अभी मैंने देखते हैं कौन सा कार्ड पसंद करते हैं। मार्केट में जाके काफ़ी काम है मुझे और भी, और वहाँ से मुझे मौसी मिल जाएंगी, वो भी आएंगी मार्केट में, तो वहाँ भी बाकी काम करेंगे। फिर अभी फ़िलहाल वेडिंग कार्ड का करना है काम, तो मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताती हूँ कि कौन सा चूज़ करा है। वैसे अभी देखते हैं कौन सा चूज़ करेंगे हम, अभी डिज़ाइन बतानी है हमें। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुँच गए हैं कार्ड्स की शॉप पर। ये कार्ड, ये बाज़ार बहुत मतलब बहुत कंजस्टेड है, देखिए पीछे गली भी दिख रही होगी अगर आपको। तो हम पहुंच गए, ये हमारी इस शॉप पे देख रहे हैं हम कार्ड्स, आयुष देख रहा है। तो अभी देखते हैं कौन सा वाला चूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं। ये भी है यहाँ पे लिफाफे वाला, लेट्स सी कौन सा पसंद आता है। ये देखिए आयुष पसंद कर रहा है। हेलो एवरीवन, तो कार्ड्स फाइनल हो गए हैं, मैटर लिखवा दिया है मैंने। अभी मैटर लिखवाने में मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो गया, पापा को फ़ोन कर करके पूछ के करवाया सारा। और अब मैं जा रही हूँ दूसरी चीज़ें करने के लिए, कार्ड्स का काम हो चुका है, एक हफ्ते में बोल रहे हैं, तो बोला है मैंने जल्दी दे दीजिए। लेट्स सी कब तक मिलते हैं, बट जल्दी बोला है। बाकी क्योंकि बांटने भी हैं लिखकर उनमें नाम सबके। अभी मैं बल्ट बाज़ार में घूम रही हूँ, बाकी ये काम जो बचे हैं वो कर रहे हैं। अभी मेरी मौसी तो चली गई टिक्की खाने, उन्हें भूख लग गई थी, और उनको और अदिति को, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ये देखिए भीड़, तो अब हम आए हैं चूड़ी की शॉप पर, हमें मैचिंग बनवानी है और मैं थक गई हूँ और मौसी इंजॉय कर रही है, तो मैच करा रहे हैं साड़ियाँ। हाँ जी भैया, साड़ियाँ नहीं चूड़ियाँ, साड़ियों में एक में जो बीट्स आ रहे हैं, देखते हैं कौन सी मैच होती है। एक शॉप पे तो नहीं हुई मैच, इसमें देखते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हम आए हैं रेस्टोरेंट में डोसा खाने, और अदिति तो इडली खा रही थी लेकिन इसने कैंसिल करा दी। मैंने टिक्की खा ली थी। अच्छा, और मैंने कुछ नहीं खाया, मैं डोसा खाने का, मुझे डोसा बहुत पसंद है। तो हम यहाँ लक्ष्मी रेस्टोरेंट में वहाँ पे बैठे हैं, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, बचपन में मम्मी के साथ आते थे, बहुत ही पुराना है। दिखाओ कैसा है ऊपर, क्या दिखेगा ऊपर का, अच्छा व्यू होगा। छत ऊपर है, पुराने जमाने की है ना बिल्कुल, पानी की बॉटल, टेबल भी पुरानी है, बिल्कुल सब कुछ पुराना है, स्टाइल है इसका, इसका टेस्ट वही। और अभी हमारा थोड़ा काम हो गया है, थोड़ा देख रहे हैं, काफी हो चुका है, बाकी लेट्स सी अभी क्या होता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बहुत थक गए हैं, वीडियो ना कम कम बना पा रही हूँ मैं। और ये आ गया है हमारे डोसा, देसी स्टाइल डोसा, और अब हम इन्हें खाने जा रहे हैं। दिखा दो तो फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, हम आ चुके हैं लहंगे की शॉप पे और हमें पसंद आ रहे हैं लहंगे। फिरोजी कलर तो नहीं चलेगा, फिरोजी नहीं, पीच क्या नंबर का है, इतना मत सोचिए, ये भी अच्छी चीज है, ये मैचिंग में कोई नहीं लगी, ये ब्लू देख लो वरना तो चॉइस। ये देखिए, मैंने ले ली है एक अपनी ड्रेस जो मैंने बांध में पहननी है और हल्दी में, अभी बस वही फाइनल हुआ है। और अदिति ने भी अपना फाइनल ड्रेस ले लिया है, तो अभी हम घर चल रहे हैं क्योंकि अब बज चुके हैं 8:05, मुझे बहुत लेट हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, डिनर करना है, तो मैं घर जाती हूँ, घर जाके डिनर करूँगी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो कार्तिक आ चुके हैं अभी शॉपिंग करके, तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर ली बोले तुमने, आज तुम्हारी हो रही, रवि की हो रही है, शॉपिंग कर ली क्या ड्रामे। अरे पता है छोटी सी सेफ्टी पिन भी चाहिए होती है। अच्छा, सेफ्टी पिन तो बहुत बड़ी हुई थी घर पर, मैं ही ले आता सेफ्टी पिन तो उड़ा के। अरे और भी चीजें भी दिखाऊंगी मैं घर जाके, चलो फिर बैठो। हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर फाइनली, और अभी मैं ऑटो से आई हूँ स्टोर तक, इस ऑटो से आई थी, उसके बाद आयुष ने मुझे घर छोड़ा, मतलब आयुष भी मेरे साथ घर आया है। और मैंने शॉपिंग करी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब छोटी मोटी को शॉपिंग, कपड़ों की तो नहीं थी, कपड़ों की मैंने अपने लिए एक ड्रेस ली है, वो अभी नहीं आई है, वो अभी मैंने वहीं दे दी जहाँ पर ली है उसको तैयार होने के लिए। और बाकी मेकअप का सामान लिया है मैंने, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कार्ड का, वेडिंग कार्ड का सारा काम कर दिया आज, बहुत बड़ा काम था वो भी,
क्योंकि उनका उन्हें छपने में ही भैया बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, तो तब वो आएंगे, उनमें लिखना है, फिर उन्हें बांटना भी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी मैंने अपने लिए एक वो लिया है, फुटवेयर लिया है, बेसिक है ये वाली, ये लिया है मैंने अपने लिए फुटवेयर। एक अपने लिए ये फुटवेयर लिया है, मेरा बेसिक वाले जो फुटवेयर था वो ख़राब हो गया था तो मैंने ये लिया है। और अपने लिए मैंने और क्या लिया है, एक मैंने ये वेलवेट में लिया है डोवर, अच्छा मिल रहा था, कोजी कोजी सा। आयुष के लिए कुछ नहीं लाई मैं, वो मुझे कह रहा मेरे लिए कुछ नहीं लाई, बट ना जो ऐसे मार्केट्स होते हैं ना वहाँ लड़कों का ना कम मिलता है, लड़कों का तो ब्रांड शोरूम ब्रांडेड में चीज़ों में ही मिलता है, वहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। और इंडियन में भी जो मैंने आयुष के लिए लेना है वो भी मुझे वहाँ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। और एक मैंने दो तीन चीज़ें ली हैं, और मेरी फ्रेंड ने मुझे कल एक दुपट्टा दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना सुंदर दुपट्टा दिया है उसने मुझे, वो मेरे लिए जयपुर से लेकर आई है, ये बहुत सॉफ्ट है, स्वाति ने दिया है ये मुझे दुपट्टा, बहुत प्यारा दुपट्टा है। और बाकी अभी मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया है, मैं एक रोटी ही खाऊंगी, मुझे मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि थकान इतनी लग गई है चलते चलते चलते। और एक सूट मैं ये लाई हूँ, ये मैंने किसी को गिफ्ट करना है, कॉटन में है ये, पार्टी वेयर। और एक ये लाई हूँ मैंने, ये भी गिफ्ट करना है किसी को, मतलब ये शादी से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने पर्सनली किसी को गिफ्ट करना है तो ये मैं लाई हूँ, ये भी मेरे लिए एक काम था मुझे, ये इम्पोर्टेंट, ये भी मैंने आज कर लिया। बाकी तो मैं अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें ले आई हूँ, रफ़ल्स लाई हूँ, एक ये वाला रफ़ल, एक ये रफ़ल, और बिंदी लाई हूँ अपने लिए, ये तो छोटी सी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। बाकी एक और गिफ्ट लाई थी मैंने, एक और चीज़ गिफ्ट मैंने, एक ये कुर्ती ली है, ये भी मैंने गिफ्ट में देनी है, एक ये वाली कुर्ती है, ये भी मैंने गिफ्ट में देनी है। तो मैं आपको मिलती हूँ खाना खा के, और उसके बाद मुझे पूरा सेट करना है, पूरा कमरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि कल मैंने एक बेड भी एडजस्ट किया है, जैसे कि आयुष ने बताया होगा आपको, तो हमने एक बेड इसमें अपने रूम में एक एडजस्ट किया, तो उसको डबल बेड बनाया है, पूरा पूरा एक रूम बना दिया है अपने रूम बेड को, अपने कमरे को। तो इसमें अभी मैंने सारा सामान फैला हुआ है शादी का, तो अभी मैं इसको अरेंज करूँगी, सेट करूँगी पूरी तरह से, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मिलते हैं आपको।